देख लो भैया, सुबह हो गई लेकिन रानी अभी तक अपने वचन के अनुसार खजाना लेके वापस नहीं आई। हाँ, अब तो हम सबन के सामने उसको आत्मदाह करना होगा। हाँ करना होगा। आचार्य जी, समर भाव, हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। रानी, हम भी आपकी सहायता कर देते हैं। रानी, अब तुम्हारा खेल खत्म रानी। गौरी बहन, हम औरतों के भाग्य में अग्नि परीक्षा देना लिखा है, लेकिन इस अग्नि परीक्षा का परिणाम तुम जानती हो रानी। भगवान के लिए अपना निर्णय बदल दो रानी। ए! क्या तमाशा लगा रखा है? निर्णय
लिया जा चुका है, समझे? रुक जाइए शर्मा भैया, रुक जाइए। इतना प्यार दिया, हमारा साथ दिया और इतने वर्षों तक हमें यहाँ आश्रय भी दिया। अब तुम्हारी कहानी खत्म। जुबेदार कर्मा, सूबेदार कर्मा, आज से हम इस गांव के सूबेदार हैं और सूबेदार होने के नाते समर सिंह और सहजानंद को गांव निकाला देते हैं। सुना नहीं क्या? पूर्ण होते मुत्तमान जो होते। ईश्वर झांसी को हमेशा संकटों से बचाए रखे। अंदर दम ही घुट गया था, कुछ देर और रहते तो। तुम इस तरह मरने के लिए नहीं जन्मी हो बेटी। एक पल के लिए तो हम भी सहम गए थे, परंतु हमें तुम पे विश्वास था। इतिहास में जब भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा, नारी जाति को सदैव तुम पर अभिमान होगा बेटी। इस समय हमारे पति और झांसी का सम्मान दांव पे लगा है, पहले हमें उसे बचाना है। अब हमें क्या करना है? शीघ्र अपनी योजना बताओ। हाँ, कर्मा के लिए हम मर चुके हैं, वो हमारी ओर से निश्चिंत होकर छुपाए हुए खजाने की तरफ अवश्य जाएगा। हमें उस पर निगाह रखनी है। चलिए चलो। कर्मा ससुराल बेसर, जो आवा आगे उसके फूटे कर्म। क्या बात है प्रधानमंत्री जी, क्या अभी राशि पूर्ण नहीं हो पा रही है? और कितने धन की आवश्यकता होगी? महाराज, जागीर जेवर और बाकी जमा धन को जोड़कर भी आधी राशि इकट्ठी हो पाई है। हम प्रबंध करेंगे, कैसे भी, किसी भी तरह। महाराज? कुछ नहीं पापा, लक्ष्मी भाई पे हमने जो अन्याय किया उसी का
दंड भुगत रहे हैं। आज हमारी लक्ष्मीबाई हमारे साथ होती तो झांसी पर इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देती। महाराज सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि हमारी मनु। हाँ महाराज, मनु ईश्वर पर बहुत विश्वास रखती है, आप भी ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा काका, हमें मनु के बारे में महाराज को नहीं बताना चाहिए क्योंकि मनु ये चाहती है कि महाराज उसे क्रांति गुरु और महारानी दोनों ही रूपों में स्वीकार करें। जानता हूं तात्या, और ये भी जानता हूं कि मेरी मनु जहां कहीं भी होगी महाराज के हित के लिए ही प्रयासरत होगी। समर भाव, हमें लगता है खजाना यहीं कहीं छुपा होगा और वो अवश्य उसे ले जाने की ताकत में। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें शीघ्र ही खजाने को ढूंढना है। ये तो खच्चरों की आवाज है, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कहीं खच्चर नहीं मिलते। हमें हमें उस ओर चल के देखना चाहिए। मनु अपने मुंह को ढक लो, कोई पहचान नहीं। लगता है कोई कुमार है। कर्मा किधर गया? मुझे आभास हो रहा है कि वो यहीं कहीं आसपास है। ए, रुको रुको रुको, इधर आओ। अरे किस्मत अच्छी है जो फूटा नहीं। गधे, वो दो भी के तो गठरे के गठरे उठाकर ले जाते, उप तक नहीं करते। ये तो कर्मा की आवाज है। हमारे 8-10 घड़े नहीं उठाए जाते हैं, इधर आओ। गधे कहीं का वो, ये भेष बदल के कहाँ जाते? चलो उसका पीछा करते हैं। Where is that bloody karma? Old man, who are you? Get the hell out of here! अरे रुक रुक, अरे सुना नहीं, निकले यहाँ से। सुना old man, निकले यहाँ से। अरे साहब, कर्मा, ट्रेजरी कहाँ है? इसके अंदर। ये क्या मजाक है? You have one more chance. हमारा खजाना कहाँ है? अरे साहब खजाना है, वो पानी के नीचे तो देखिए। देखिए समर भाव, आप आचार्य जी को लेकर उस ओर जाइए, हम इस ओर जाके देखते हैं। ध्यान से भैया। सरकार
आप जो कहें वो सारा काम हम कर दिया है हमारी जान पे खेलकर। अब हमारी मजदूरी मजदूरी हाँ साहब हूँ ग्यारह गांव की सूबेदारी। हाँ why not yes ये फोरट फोरट विलियम्स आएगा वाका yes फोर्ट विलियम्स से हमारे वास्ते yes कर्मा here we are ईस्ट इंडिया कंपनी का तुम बहुत अच्छा काम किया कर्मा। हाँ हम कहाँ कर सकते हैं ये लियो हमारा अंगूठा ये लो भैया। वी विल मेक यू चीफ ऑफ 11 विलेजेस। कर्मा सूबेदार यस कर्मा सूबेदार Now we are friends. अब tradition के मुताबिक। सरकार। सरकार कौन कहता है? कौन कहता है कि अंग्रेज धोखा देता है? हम तो ये कहते हैं कि अंग्रेज हमारे सबसे परम मित्र है। हे देवा ये तो कर्मा की चीख है। Now, ये खजाना मेरा है और मैं गंगाधर को नहीं बताऊंगा कि आई फाउंड इट बैक। उसे पूरा अमाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा और मेरे लोग इस खजाने का सेफ प्लेस तक पहुंचा देंगे एंड आई विल बी द रिच मैन। तुम सब लोग इसके साथ सीक्रेट लोकेशन पर चले जाओ। आई विल ज्वाइन यू टुमारो। गलत जगह है। रानी, रानी, तुम जिंदा? कर्मा, तुम्हारा यह हाल किसने किया? कर्मा बोलो, हमें बताओ तुमने खजाना कहाँ छुपाया है? बताओ कर्मा खजाना कहाँ छुपाया है तुमने? तुम चुप क्यों हो कर्मा? हमें बताओ खजाना कहाँ है? भगवान के लिए हमें बताओ खजाना कहाँ छुपाया है तुमने? कर्मा